नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है एक्सपीरियंस अपना। दोस्तों ये जो कंप्रेसर का पुल्ली देख रहे हैं आप, देखिए दोस्तों ये एकदम से फ्री है, देख लीजिए। देखिए दोस्तों ये पूरा प्ले हो रहा है। देखिए ये थोड़ा जम होना चाहिए, थोड़ा मतलब पूरा जम होना चाहिए दोस्तों, ये पुल्ली जो है जम होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये क्लच कोयल जो है, ये क्लच कोयल इस पुल्ली के साथ दोस्तों प्ले होने के कारण घिस रहा था। देखिए ये साउंड ना रहा है, ये क्लच कोयल जो है ये पुल्ली के साथ पूरा घिसता है। देखिए दोस्तों ये अंदर में, देखिए दोस्तों इधर पूरा घिस गया है, चारों साइड में पूरा घिस गया है। और बाहर का साइड में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा शाइन कर रहा है, यहाँ पे भी पूरा घिस गया है। देखिए ये साउंड कर रहा है, मतलब ये बहुत प्रेशर में था। ठीक है दोस्तों, अभी इसे घिसने के कारण दोस्तों ये क्लच कोयल जो है ये जल चुका है। तो दोस्तों ये पुल्ली जो है फ्री होने के कारण ये क्लच कोयल के साथ घिस रहा था, और ये क्लच कोयल जो है ये पूरा हीट हो रहा था दोस्तों। क्लच कोयल हीट होने के बाद दोस्तों ये क्लच कोयल जल चुका है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो पुल्ली है ये पूरा कंप्रेसर के साथ पूरा जम फिटिंग होना चाहिए। जम फिटिंग होने से दोस्तों ये कोयल जो है कोयल के साथ नहीं घिसेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कंप्रेसर में पुल्ली फ्री हो गया है तो दोस्तों आपका कंप्रेसर जो है उसे चेंज करना पड़ेगा। कंप्रेसर का जो पुल्ली है वो फ्री होने से क्या होता है, आप जितना भी कंप्रेसर का क्लच कोयल लगाइएगा बार बार जो कोयल है वो कटता ही जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पुल्ली फ्री होने से आपको ये कंप्रेसर जो है इसे चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आपका जो ये क्लच कोयल है ये बार बार बदलता ही रहेंगे और बार बार ये कटता ही रहेगा। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।